मेरा कैरेक्टर बहुत इमोशनल है, मैं अपने माँ बाप से बिछड़ जाती हूँ, मतलब हीरो भी बिछड़े रहते हैं, क्या क्या बताऊँ, मूवी देख लीजिएगा। तैयारी की इस फिल्म के लिए जैसे कि शूट में जाने नहीं? अरे तैयारी तो इतना ना की कि क्या बताए। सुना है अब रियल में बहुत दबंग है। माँ बाप का कत्ल किया आपने? इतना बड़ा इल्जाम नहीं, थोड़ी बहुत हूँ बट इतनी नहीं हूँ। किसी बॉयफ्रेंड का कत्ल किया आपने? नहीं बट इरादा है आपका। क्या बनना चाहती हैं बॉलीवुड भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसको फॉलो करती हैं आप? मैं बॉलीवुड में मैं दीपिका को फॉलो करती हूँ। भोजपुरी में सनोज मिश्रा को? जी उनको फॉलो करती हूँ। क्या जैसे उनका चलना, उनका स्टाइल, कुछ बातचीत, उनका बात करने का स्टाइल? अच्छा, उनका हंसने का स्टाइल, और हाँ सबसे बड़ी बात उनका देखने का स्टाइल। अच्छा, ऐसा देखे इतने प्यार से। अच्छा, भोजपुरी में किस हीरो से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? बच्चे की जान लीजिएगा ये खुलासा करके। दो चार का नाम बता दो। किसका बताऊं? कोई भी बता दो। भोजपुरी में तो चार सुपरस्टार, सबका नाम बता दो। हाँ तो दिनेश जी, पवन सिंह, खेसारी लाल, और एक हमारे हीरो राजू रसिया जी। अच्छा, इतने लोगों को कैसे संभालती हो अकेले? अरे क्या करूँ, बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए सोच रही हूँ आप ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दो मुझे। कैसे संभालते? अच्छा, इस फिल्म का नाम क्या है जो अभी शूट करने जा रहे हैं आप लोग? हमारा राजू सुपरस्टार। तो कभी सुपरस्टार से शूटिंग करते वक्त मोहब्बत हो गया तेरे को? वो तो नहीं होगा, हो भी गया तो क्या प्रॉब्लम है, हम लोग धड़ाधड़ साथ में फिल्में करेंगे। अच्छा, फिलहाल मुझे हो जाएगा, हीरो को नहीं। अच्छा, अभी सबसे पहले आप किस हीरो के साथ शूटिंग करना चाहती हैं इस फिल्म के बाद? इस फिल्म के बाद अब नसीब के ऊपर है किसके साथ ऑफर आता है, जिसके साथ ऑफर आएगा कर लूंगी। अच्छा, आप गाना भी गाती हैं सुने के? ना, मेरा गाना सुन के सब भाग जाएंगे, बेगाना नहीं आती हूँ। कहाँ शूटिंग करने जा रहे हैं किस फिल्म का? हम लोग पटना, कल का हम लोगों का टिकट है, हम लोग कल पटना जा रहे हैं, पटना में शूटिंग है इसकी। पटना में शूटिंग कब, किस डेट से कर रही हैं आप? 8-9 से। अच्छा, आज आपकी फिल्म अनुज जलोटा जी ने गाना गाया है जी। कभी सुना था कि आप, सोचा था कि उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाएंगे? कभी नहीं, इसके लिए तो मैं। अनुज जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है, आज उनसे मैं फर्स्ट टाइम पे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलके। चलिए, बहुत थैंक यू।